तो नमस्कार। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बना के डाल दिया है, वीडियो की साइज़ कम करने के लिए। तो दोस्तों, उस ऐप का नाम है वीडियो कंप्रेसर, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा तो उसमें नहीं बताया है, केवल वीडियो की एमबी कम करने के लिए ही बताया है। तो दोस्तों, मैं आज फिर उसी ऐप्स के बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर इस ऐप से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्रेसर पड़ा हुआ है, जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मेरा वीडियो कंप्रेसर ओपन हो गया। इसमें देखिए, इधर लिखा हुआ है कंप्रेस वीडियो, इधर लिखा है कंप्रेस फोटो। तो आप चाहें तो फोटो को भी कंप्रेस कर सकते हैं और वीडियो को भी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ही कंप्रेस करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास कई फाइल हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे फ़ोटो हैं। तो हम कोई एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए नमूना के तौर पर ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने कोई वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, वही वीडियो है वीडियो कंप्रेसर के बारे में ही, उसी को ओपन कर लेता हूँ। और इसी वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को ओपन कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की एमबी कम हो, तो आप दोस्तों इस पर क्लिक करें और देखिए, यहाँ पर मिल गया बहुत सारे साइज़ इसके, जितना आप कम करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसमें से ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं, यानी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसमें अगर ऑडियो है, आवाज़ है, तो उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, और जिसको आप जितने एमबी में, जितने साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उतना। जैसे हम इसको करना चाहते हैं कि ये वीडियो हमारी जो भी एमबी की थी, 144 45, उसको अगर हम चाहते हैं कि 9.5 MB हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ये वीडियो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कंप्रेस करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस नमूना के तौर पर थोड़ा सा दिखा दिया। और फिर दोस्तों, यहाँ देखिए कट एंड कंप्रेस, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को कट, जैसे ज़्यादा लंबी वीडियो है तो उसको ऐसे बढ़ा के कम कर सकते हैं, दोनों तरफ से अगर चाहें तो खींच के इसको कम छोटी कर सकते हैं। और इतना करने के बाद कट एंड कंप्रेस, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इसको भी नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो वीडियो आपको अगर लगता है कि बहुत स्लो है, इसको हमको तेज़ करना है, तो यहाँ से, जी हाँ दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आप किसी भी वीडियो को जितना स्पीड करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये कम है, फिर यहाँ 4 सबसे ज़्यादा है, तो जी हाँ इस पर कर लीजिए और ये आपका फास्ट होने लगेगी, वीडियो बहुत जल्दी हो जाएगी, आप देखते रहेंगे आपके सामने इतना स्पीड चलने लगेगी वीडियो कि क्या बताएं। तो दोस्तों, एक ये ट्रिक है, यहाँ लिखा है Extract MP3। अगर आप अपने वीडियो को केवल गाना के रूप में रखना चाहते हैं तो Extract MP3 पर क्लिक करिए और आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, केवल ये आपकी ऑडियो ओवर बची रहेगी, जिसे आप अपने MP3 के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, यही वीडियो कंप्रेसर ही एक ऐसा ऐप्स है जो कि आप वीडियो प्लेयर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ वीडियो प्ले वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो प्ले होने लगेगी, और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहूँगा। और एक बात ये कहता हूँ कि आप लोग अगर इस ऐप्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो दोस्तों, इसके बारे में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्रेस फ़ोटो लिखा है, तो यहाँ से हम फ़ोटो को भी, किसी भी फ़ोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं मान लेता हूँ कि कैमरा में कोई फ़ोटो है, जैसे ही ये कोई गाड़ी वाड़ी पलटी हुई थी, इसको नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ, विमलेन सिंह पुष्पा, ये 2.4 MB है, इसे हमें करना है कंप्रेस। तो इसे हम क्लिक करेंगे और देखते रहिए आपके सामने ये कैसे हो जाता है, कितना एमबी में होता है। तो दोस्तों, 80% में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि 152 KB में आ गया। तो दोस्तों, इस तरह ये ऐप्स काम करता है, और इस ऐप के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, प्लस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, मैं इस वीडियो, इस ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और वो जो पहली वीडियो डाले हैं उसका लिंक आपको आई बटन में प्राप्त हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। तो
तो जिसके सहायता से आप बड़ी आसानी से इस ऐप को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, गुड बाय।